हाय फ्रेंड्स, अखंड न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे न्यूट्रेला और राजमा बनाना। और ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी होता है। सभी को मालूम है राजमा और न्यूट्रेला बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, और दोनों एक साथ बनेगा तो डबल पोषण मिलेगा। तो फिर देर नहीं करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। न्यूट्रेला राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा को बॉयल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के बॉयल करेंगे। पानी ज़्यादा मात्रा में डालना है, थोड़ा ही डालना है जिसमें बराबर से बॉयल हो जाए। न्यूट्रेला को बॉयल कर लेंगे और फिर जैसे ही बॉयल हो जाए तो 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। राजमा बॉयल हो गया है और अब एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें हींग डालेंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन भी डाल देंगे साथ में, और एक ग्रीन चिली डालेंगे। बस एक ही डालना है क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे हम, और साबुत लाल मिर्च का भी प्रयोग करेंगे, और इसमें प्याज भी डाल देंगे। और साथ साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक राजमा में पड़ा हुआ था इसलिए नमक का थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। नमक डालने से होता क्या है, प्याज बहुत बढ़िया से गल जाता है। इसको मिक्स कर देंगे और कुकर बंद करके लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे, जिससे ये बहुत बढ़िया से गल जाएगा और जलेगा भी नहीं। अब इसका ढक्कन बंद करके कुक होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज बहुत बढ़िया से गल गया है। अब इसे थोड़ा इसकी हेल्प से मैश कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और फिर से कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे ही फिर कुक करेंगे ताकि टमाटर भी बढ़िया से गल जाए। एक बार फिर से गैस पे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी बॉयल हो गया है, इसे भी इस तरीके से मैश कर देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हल्दी कम ही डालेंगे क्योंकि हल्दी पहले ही डाला जा चुका है। और चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। नमक पहले ही पड़ गया इसलिए नमक नहीं डालेंगे। मसाले को हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें राजमा और न्यूट्रेला डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है, अब इसमें हम न्यूट्रेला डाल देंगे जो कि बॉयल है, इसको फ्राई नहीं किया गया है। और फिर इसमें राजमा भी डाल देंगे। इसको पानी को फेंका नहीं गया था, बाकी जो था वो पड़ गया है इसमें। अब इसे मिक्स करके फिर ढक्कन बंद करके एक सीटी लगने तक कुक करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। फ्रेंड्स, न्यूट्रेला और राजमा एकदम रेडी है और आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, न्यूट्रेला और राजमा खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसे ट्राई करें, बनाएं, खाएं। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।